आज हम देखेंगे निराला ग्रीन शायर के 3 BHK 2 toilet 1470 स्क्वायर फीट के फ्लैट को। अगर हर टावर में बात करें तो तकरीबन 3 lifts हैं। फ्लैट में एंटर करते ही छोटा सा एक फोयर है और ड्राइंग रूम 15 फीट बाय 9.6 फीट का है और डाइनिंग 10.7 फीट बाय 11.4 फीट का है। इस कमरे के साथ की अटैच बालकनी आपकी 5 फीट की है। पहला बेडरूम 10.7 फीट बाय 10 फीट का है और इसके साथ में बाथरूम अटैच्ड है जो कि कॉमन बाथरूम का पर्पस भी सॉल्व करता है। इस कमरे में इंटरनल अलमारी प्रोवाइड नहीं कराई गई है और एक्सटर्नल अलमारी बनानी पड़ेगी। बाथरूम 7.4 फीट बाय 5 फीट का है और बाथरूम में आपकी वॉल टाइल साथ में सैनिटरी और सीपी फिटिंग्स लगा के मिलते हैं। डाइनिंग रूम के साथ में किचन एल शेप में है जो 8.7 फीट बाय 7 फीट का है। करंट ऑफर के अंतर्गत में आपको बिलो द काउंटर वुडवर्क करके मिलता है। किचन के साथ की बालकनी आपकी 5.5 फीट की है और किचन में आपको ग्रेनाइट का काउंटर, उसके ऊपर 2 फीट की टाइलें, साथ में सिंक और नलके मिलते हैं। मास्टर बेडरूम 14.65 बाय 11 फीट का है। बेडरूम्स में आपको ऑफर के अंतर्गत में वुडवर्क करके मिलेगा। इसके साथ में एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम 5.87 बाय 4.87 का। कमरे के साथ में अटैच बाथरूम 7.5 फीट बाय 5.5 फीट का है और बाथरूम में आपको वॉल टाइल्स और साथ में सैनिटरी और सीपी फिटिंग्स लगा के मिलते हैं। इस कमरे के साथ की अटैच बालकनी 5 फीट की है। सोसाइटी में चाहे पार्क या नॉन पार्क यूनिट्स हो, कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि टावर्स के बीच में काफ़ी सफिशिएंट गैप होने की वजह से रोशनी और साथ में वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सोसाइटी आपकी 2 phases में बनाई जा रही है जिसमें phase 1 तकरीबन रेडी है और phase 2 आगे जाके कंस्ट्रक्ट होगा, मगर जो कॉमन एमिनिटीज हैं वो तकरीबन सारी रेडी हैं और उसे पब्लिक यूज कर सकती है। दूसरा बेडरूम 11 फीट बाय 11 फीट का है। इस कमरे में भी अलमारी की जगह बनाई गई है और करंट ऑफर के अंतर्गत में वुडवर्क करके मिलता है। सभी कमरों में ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर पेंट, साथ में इलेक्ट्रिकल स्विचेस और पैनल्स और साथ में खिड़की और दरवाजे लगा के मिलते हैं। सभी कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग होगी।